इस वाले पुल की ना लकड़ियाँ बहुत पतली पतली हैं और ये मूव भी बहुत ज़्यादा कर रहा है रेदर देन अदर पुल के मुकाबले, तो इसलिए मैं बहुत संभल के जा रहा हूँ। कर लिया पार, वी आर देयर। ये देखो भाई घोड़े खड़े हुए, अगर आपको हॉर्स राइड लेनी है तो। ये देखो ये पता नहीं क्या चीज़ है, और ये शायद सेटअप चल रहा है आज शाम के लिए, कुछ प्रोग्राम हो सकता है। ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ लगी मुझे, यहाँ की सीढ़ियाँ और ये जो बना रखा है ना, जिस तरीके से इसको डेकोरेट किया है, अंदर की डेकोरेशन बहुत प्यारी है यार। अगर आप वो देखना चाहते हो, आपको पुरानी चीज़ें देखना पसंद है, तो ये आपके लिए मस्ट विजिट प्लेस है। और ये देखो ये लोग जंगल सफारी करके आ चुके हैं, तो ये लोगों को यहाँ उतार दिया। अपने को जाना है उस तरफ ऊपर, उस तरफ ऊपर चलना है, चलते हैं अपन ऊपर की तरफ, हॉक करते हैं यहाँ से एग्जिट। जो अपन ने फिल्मों में देखे कबीले, उस तरीके का लुक दिया गया है। ये देखो बहुत ही लाजवाब यार, बहुत ही लाजवाब, देख के दिल खुश हो गया। ऐसा लग रहा है कि हाँ आज हम लोग किडनैप हो गए किसी कबीले में, आज यहाँ होगा झिंगा लाला हु हु, झिंगा लाला हु हु। जैसे अपने गाँवों में कढ़ाई वढ़ाई होती है ना उस, ये देखो प्रेस कपड़ों पे करने के लिए, और ये बर्तन, ये और सारे बर्तन हैं, बड़ी बड़ी हांडी जो कि यूज़ किए जाते थे, और ये अभी कुछ घर बना दिया। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि उस टाइम पे यूज़ की जाती थी। कूलान जो विलेज है उसमें आप जो है उससे रिलेटेड के उस टाइम पे क्या हुआ करता था, तो वो सब अगर आपको इंटरेस्टेड है। नो दिस इज़ फॉर मी नॉट फॉर यू। अपन ने कर लिया एग्जिट, चलते अपने गड्डी की तरफ, वहाँ से आते हैं। मैंने बोला था ना नीचे जाते हैं, मज़ा आ रहा है, चढ़ते समय सांस फूलेगी। पर ठीक है, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं थी, दौड़ के चढ़ गए अपन तो। और ये रही अपनी गड्डी, उठाते हैं अपनी गड्डी, चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। वैसे जो है ना, आप एक ही दिन में जो है ना, अगर आप सुबह निकलते हो अर्ली मॉर्निंग, तो आप सारी जगह कवर कर सकते हो तालाब में। हम लोगों के साथ क्या हुआ था, कल जो है ना बारिश हुई थी सारे दिन, जिस वजह से हम लोग ना शाम को सिर्फ 4 बजे निकले थे, उसमें हमने लेक और मॉनेस्ट्री कवर की थी। यहाँ पे आपको लगभग 3 से 4 घंटे, मान लो हम लोग सुबह निकले थे लगभग 10 बजे, हम लोग वैसे तो रूम से तो 8 बजे निकल गए थे, पर 10 हमें इसलिए बजे क्योंकि हमने सिम कार्ड लिया और कुछ गैजेट्स परचेज़ किए, तो उस वजह से जो है ना थोड़ा बहुत सामान लिया हमने, इस वजह से थोड़ा सा हम लेट हो गए। तो 10 बजे निकले थे और हम लोग यहाँ पहुँच गए थे 12 बजे, और अभी 1 बज रहा है, तो 3 घंटे यहाँ लग गए, और आप 1 घंटा वापस मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, तो टोटल टाइम ये है। मतलब आपका एक दिन में जो है ना पूरा दलाद कवर हो सकता है, जैसे आप एक दिन आए और उसके नेक्स्ट डे आप पूरा जो भी मेन प्लेसेस हैं वो कर सकते हो। अगर आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो फिर आप लॉन्ग स्टे रख सकते हो। वैसे जनरली जो है आप 4-5 पॉइंट कवर कर सकते हो विद इन 1 डे के स्टे में। अभी भी बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले बारिश आई थी, अब देखो फिर से बारिश का मौसम हो गया। ये देखो अभी के टाइम में सिर्फ यही दिक्कत है, जिस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये ना बारिश कभी भी आ जा रही है यार, और पता नहीं है कब तेज़ आए कब धीमी आए, कभी भी बंद हो जाती है कभी भी चालू हो जाती है। तो जिस चीज़ का डर था वही हुआ, यहाँ हो गई थी बारिश शुरू ज़बरदस्त, अभी बंद हो गई है, इसी वजह से जगह हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे, पर अब बंद हो चुकी है, अब चलते हैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ। How'd we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting feelings. But I won't leave you with everything. मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ की नाइट लाइफ देखने के लिए, और मैं हूँ अभी वार्म क्लब में। इस क्लब का नाम है वार्म, अंदर जो है बहुत अच्छी वाइब्स है, मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी लेकिन अंदर की वाइब्स जो दिखाऊंगा ना वो मज़ेदार होगी।
पहले आपको ये टिकट लेनी है जो है लगभग लगभग 1 लाख, उसमें आपकी एक बियर इंक्लूड है और आप अंदर जो है आराम से बैठ सकते हो। चुका हूँ अभी वार्म क्लब से बाहर और यार अंदर की जो वाइब्स दी ना यार जबरदस्त। अगर आप दलाद में हो और ढूंढ रहे हो स्पेशल या फिर जबरदस्त पार्टी के लिए नाइट क्लब तो आपको आना चाहिए वार्म क्लब। इसके अलावा भी मैंने 2 ट्राई किए थे, एक था मोरेको वो भी अच्छा था और वो पर थोड़ा सा कॉस्टली था वहाँ पे बियर वगैरह। यहाँ पे जो 1 लाख वियतनामी डोंग है उसमें आपको इंक्लूडिंग बियर और आप अंदर जाके घूम सकते हो आराम से, अंदर बैठे चिल मारा मज़े लिए और वापस आ गए। यहाँ पे वियतनाम की सबसे खास बात जो है वियतनाम के जो लोग हैं वो बहुत प्यारे हैं यार, घुले मिलने वाले लोग हैं यार। अगर आप जाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप जो है किसी फॉरेन कंट्री में हो, आपको लगेगा आप अपने देश में हो। वो बहुत प्यार से यार आपका वेलकम करते हैं। तो अगर आप आ रहे हो दलाद तो मोस्ट वेलकम टू द वार्म क्लब। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप चलते हैं घर की तरफ, करेंगे रेस्ट और सुबह देखते हैं क्योंकि कल शाम की हमारी बस टिकट है तो कल सुबह थोड़ा रेस्ट करेंगे। सी यू गाइस टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।